अगर ब्रांड सिट्रोइन से नाता जोड़ने का मन था लेकिन C5 Aircross महंगी लग रही थी, तो अब आ गई है नई नवेली सिट्रोइन C3। ये गाड़ी मास मार्केट पर टारगेटेड है, जिससे कंपनी ढेरों सेल्स बटोरने का प्लान कर रही है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि C3 में क्या इंजन ऑप्शंस और फीचर्स आएंगे, इसके राइवल्स कौन से हैं, क्या रहेगी इसकी कीमत और कब बना सकते हैं आप इसे अपना। लेट्स गो। सिट्रोइन C3 दिखने में क्रॉसओवर जैसी हो, लेकिन कंपनी के मुताबिक ये एक हैचबैक है, पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, जो रेगुलर हैचेस से बेहतर है। तो आप क्या बुलाएंगे C3 को, हैचबैक या क्रॉसओवर? कमेंट्स में बताइए हमें। C3 के लुक्स काफी हटके और अट्रैक्टिव लगते हैं। साइज में ये 3980 mm लंबी है और 2540 mm का इसका व्हील बेस मारुति बलेनो जैसी गाड़ी से बेहतर पता पड़ता है। टिपिकल सिट्रोइन फैशन में इसके सामने शेवरॉन लोगो लगा है, जो ट्विन स्लैट्स में बटा है और सीमलेसली स्प्लिट LED हेडलैम्प यूनिट्स में जाके मर्ज होता है। इसका बोनेट ऑलमोस्ट फ्लैट है और बम्पर में एल्यूमिनियम फिनिश्ड स्किड प्लेट्स हैं, जो स्टाइल से इंटीग्रेट की गई हैं। फंकी कोशेंट बढ़ाने के लिए इसके फॉग लैंप्स ऑरेंज सराउंड से घिरे हुए हैं, जो इसकी जेनरस साइड क्लैडिंग में भी यूज हुए हैं। इनफैक्ट इसे मिनी C5 Aircross बुलाना गलत नहीं होगा। विंडो लाइन थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ती है और सी पिलर पर वो ब्लैक ट्रीटमेंट से एक अच्छा फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट आता है। जैसा आप देख ही रहे हैं, ये गाड़ी डुअल टोन शेड में फिनिश्ड है। इसमें रूफ रेल्स हैं और एंटेना आगे की ओर लगा हुआ है। इसके डोर हैंडल्स और फेंडर पे लगा टर्न इंडिकेटर थोड़ा ओल्ड स्कूल लुक देता है। जो न्यू एज है वो इसके टू टोन एलॉय व्हील्स, लेकिन लोअर वेरियंट्स में स्टाइलाइज्ड व्हील कवर्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की ओर रुक करेंगे तो रियर विंडशील्ड थोड़ी अपराइट है और यहाँ रेक्टेंगुलर LED टेल लाइट्स हैं और बम्पर में भी स्कफ प्लेट इंटीग्रेट की गई है। इंटरेस्टिंगली, इस अनवील कार में रियर वाइपर मिसिंग है। बूट स्पेस 315 लीटर की है, जो खास नहीं है। जो खास है वो इसके इंटीरियर का लेआउट, जो बाहर की तरह ही कलर्स का वो खेल कंटिन्यू कर रहा है। डैशबोर्ड पैनल में ऑरेंज और उसके ऊपर टेक्सचर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। AC वेंट्स सी शेप बनाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग स्टाइल में फिनिश्ड हैं। डैशबोर्ड पर अटेंशन ग्रैब करता है एक 10 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी ऑफर करता है, पर उसके करीब एक स्मार्टफोन फिक्स करने का भी साधन दिया गया है। इसके अलावा एक चंकी स्टीयरिंग व्हील है जिसमें इंटीग्रेटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं। वहीं आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिखेगा और आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स के लिए इंटरनल मैनुअल एडजस्ट मिलता है। सेंट्रल कंसोल में मैनुअल AC नॉब्स के नीचे कई स्टोरेज स्पेसेस, USB और 12 वोल्ट सॉकेट्स और कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसमें फैब्रिक सीट्स विद इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट्स हैं और रियर पावर विंडो कंट्रोल्स की सेंट्रल कंसोल प्लेसमेंट कॉस्ट कटिंग की तरफ इशारा करती है। रियर सीट्स में कोई सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं है और सेंटर पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट दी गई है। फिलहाल कंफर्ट और मटेरियल क्वालिटी पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी रिव्यू करने पर ये सब जरूर बताएंगे। सो मेक श्योर व्हाट कार इंडिया को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिससे वो वीडियो पहुंचे सीधा आप तक सबसे पहले। आजकल छोटी कार्स में सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन देने का चलन चल गया है, और इंडिया में C3 में भी एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 90 HP तक की पावर डिलीवर कर सकता है। गियर बॉक्स के लिए 5-speed मैनुअल या फिर 7-speed डुअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन होगा। फिलहाल कंपनी टेक्निकल डिटेल्स को लेकर सीक्रेटिव हो रही है, लेकिन हमें ये मालूम है कि C3 मॉड्यूलर CMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो इंडिया आने वाली दो और सिट्रोइन कार्स को सपोर्ट करेगा, जिसमें से एक कॉम्पैक्ट SUV होगी। C3 साउथ अमेरिका के साथ साथ सिट्रोइन के चेन्नई प्लांट में लोकली प्रोड्यूस होगी और यहाँ से ईस्ट अफ्रीका और दूसरी डेवलपिंग मार्केट्स को एक्सपोर्ट भी की जाएगी। सिट्रोइन C3 की मैन्युफैक्चरिंग में 90% लोकलाइजेशन लेवल्स रहेंगे, तो प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव होने की उम्मीद है। और इस गाड़ी का मुकाबला रहेगा मारुति इग्निस और अपकमिंग टाटा पंच से। तो इस हिसाब से कीमत का एक एजुकेटेड गेस लगाया जाए तो 5.5 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। सिट्रोइन इसे 2022 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करेगी और तब तक अपने डीलर और सर्विस नेटवर्क एक्सपेंशन पर काम करने वाली है। फिलहाल कंपनी के लमेजों स्टोर सिर्फ कुछ ही शहरों तक सीमित हैं। तो कैसी लगी ये नई फ्रेंच गाड़ी, प्रॉमिसिंग या नहीं, कमेंट्स में बताइए हमें। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।